एक आदमी एक क्लब की डांसर से अबसेस्ड है। इसी क्लब का ओनर इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर और भी चीजें प्ले में हैं, यही इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है। आज की हमारी मूवी एक्सोटिका, ये 1994 की एक हॉलीवुड मूवी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है थॉमस, हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर है। वहाँ उसकी बैग्स वगैरह चेक हो रही है। जहाँ चेकिंग हो रही है वहाँ एक मिरर है और उसके पीछे कुछ ऑफिसर्स हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि थॉमस पर वो शक कर रहे हैं। चेकिंग के बाद थॉमस बाहर निकला। वो जहाँ जाने वाला था वहाँ और एक आदमी जाने में इंटरेस्टेड था। उसने थॉमस से कहा कि हम दोनों कैब शेयर कर लेंगे। थॉमस भी इसके लिए एग्री करता है। जब ये दोनों टैक्सी में हैं, तो हम देख सकते हैं कि थॉमस एक चीज को चेक कर रहा है, यानी कि एयरपोर्ट पर उसने कुछ छुपाया हुआ था। एयरपोर्ट पर मिला हुआ आदमी और थॉमस एक घर जाने के लिए फेयर शेयर करने वाले थे, पर जब ये आदमी टैक्सी से उतरा तो थॉमस को उसने एक टिकट दिया। ये कंसर्ट के लिए टिकट है। इस आदमी ने कहा कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बाहर खड़े होकर इस टिकट को सेल कर सकते हो, इससे उसे पैसे मिल जाएंगे। डायरेक्टली ये आदमी थॉमस को पे नहीं करता। थॉमस जब घर पर आया तो उसने अपने स्टमक को कुछ स्ट्रैप किया हुआ था। इस स्ट्रैप में उसने कुछ अंडे छुपाए हुए हैं। इसके बारे में जैसे मूवी आगे बढ़ेगी वैसे हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमें एक क्लब दिखाया जाता है जिसका नाम है एक्सोटिका और यही हमारे मूवी का टाइटल है। हमारी और एक मेन कैरेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना इसी क्लब में स्ट्रिपर का काम करती है। इस क्लब में लोग खुद के लिए प्राइवेट डांस बुक कर सकते हैं। तो जो भी लड़कियां यहाँ काम करती है तो इनके इंट्रोडक्शन का काम एरिक करता है। वो सब लोगों से कहता है कि आप इस लड़की के साथ प्राइवेट सेशन भी कर सकते हो, यही इसका काम है। इसी क्लब में और भी हमारा एक मेन कैरेक्टर हम देख सकते हैं जिसका नाम है फ्रांसिस। फ्रांसिस यहाँ ऑडियंस में बैठा हुआ है। स्टेज पर क्रिस्टीना अपना शो करती है, उसके बाद फ्रांसिस अपना प्राइवेट सेशन बुक करता है। इसके पैरेलल के सीन में हम देख सकते हैं कि थॉमस के पास कंसर्ट की टिकट है। वो खुद इस कंसर्ट को देख सकता है या टिकट सेल कर सकता है। वो फिर उसका एक टिकट किसी और को सेल करता है और एक कंसर्ट देखने के लिए जाता है। जिस आदमी के साथ उसने एक कंसर्ट देखा उसे वो चेकआउट कर रहा था। शो खत्म हो जाने के बाद इसी आदमी से थॉमस बात करता है। कहता है कि मुझे गिफ्ट मिले थे और मैंने तुम्हें अब ये सेल किए हैं तो मुझे बुरा लग रहा है। उस आदमी को उसके पैसे वो वापस कर देता है। उस आदमी को लगता है कि शायद थॉमस उसे लाइक करता है। वो फिर उसे पूछता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रिंक पर ले जा सकता हूँ। थॉमस इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद हमें फिर से क्लब दिखाया जाता है। फ्रांसिस शो देख रहा था पर वो स्ट्रेसफुल है, इसी वजह से वहां से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने बेबी सीटर को उसके घर छोड़ रहा है। पहले बेबी सीटर फ्रांसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। फ्रांसिस उसे कहता है क्या मैं इतना बोरिंग हूँ कि तुम मुझे अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछती। वो हमेशा अपने हेडफोन्स लगाकर ही गाड़ी में बैठती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। इसके बाद ही बेबी सीटर वहां से चली जाती है। एक्चुअल में फ्रांसिस जब भी घर से बाहर जाता है तो इसी बेबी सीटर को घर पर रख कर जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से क्लब देखते हैं। क्लब में सब लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला एरिक इसे उसके बॉस ने बुलवाया है। बॉस का नाम जोए है। जोए एरिक से कहती है कि जब तुम और लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराते हो तो तुम्हारी टोन नॉर्मल होती है, जब क्रिस्टीना की बारी आती है तो तुम अपने इमोशंस में बह जाते हो, उसकी बहुत तारीफ करते हो। वो कहती है कि अब तुम्हें ये करना कम कर देना चाहिए। बॉस उससे कह रही थी कि इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में वो खुद इन्वॉल्व होना चाहती है। एरिक कहता है कि मैं जो काम करता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को मैं कन्विंस करता हूँ कि इन लड़कियों के साथ उन्हें प्राइवेट सेशन चाहिए। तुम्हारी इस हालत में अगर तुम ये काम करोगी तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअल में जोए प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो कह रहा था। हमें इस सीन से पता चलता है कि ये बेबी एरिक का है। इस बेबी के बारे में जोए एरिक से बात करती है। उसे पूछती है इस बेबी के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है, तुम फील क्या कर रहे हो। एरिक कहता है मुझे तो बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है पर यह सब मुझे दबा कर रखनी पड़ेगी। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस बेबी का फादर एरिक तो है पर फिर भी जोए और एरिक में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। जोए को बेबी चाहिए था तो एरिक ने सिर्फ उसे हेल्प की थी। बेबी के बर्थ के बाद एरिक से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इसी तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉमस एनिमल सेल करता है। उसके पास उससे मिलने के लिए फ्रांसिस आता है। फ्रांसिस एक अकाउंटेंट है। अब एरिक का जो बिजनेस है इसे वो ऑडिट करने वाला है। इन दोनों में कन्वर्सेशन होती है। थॉमस फ्रांसिस से पूछता है ये सब ऑडिट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। फ्रांसिस कहता है कि तुमने अपने बुक सही से नहीं लगाए हैं तो मुझे एक वीक तक लग सकता है। हम देख सकते हैं कि थॉमस का ऑडिट हो रहा है तो ज़रा टेंशन में है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस्टिना जोए के साथ बात कर रही है। पहले क्रिस्टिना और एरिक का अफेयर था, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। क्रिस्टिना अब जोए के साथ रिलेशनशिप में है। वो जोए से कहती है कि तुम एरिक को फायर क्यों नहीं कर देती। उन दोनों में रिलेशनशिप है इसी वजह से एरिक जलता रहता है। वो कहती है अगर तुम उसे फायर करोगे तब उस पर एक एहसान ही करोगे। ये सब सिचुएशन मैं आपको फिर से बताता हूँ। जोए एक्चुअल में एरिक के बेबी से प्रेग्नेंट है, पर जोए और एरिक में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि एरिक इस बेबी से कोई भी संबंध नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक सरोगेट फादर है। क्रिस्टिना और एरिक में रिलेशनशिप थी जो अब टूट चुकी है। इसके ऑपोजिट में क्रिस्टिना और जोए इन दोनों में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रांसिस जब थॉमस के लिए ऑडिट कर रहा था तब थॉमस के एक ड्रॉवर में उसे गन मिली। गन देखने के बाद वहां से वो चला गया। जाते जाते थॉमस से उसने कहा तुम्हारे बुक्स बहुत ही सस्पिशियस है, तुम जो भी काम करते हो ये मैनेज करने के लिए किसी को तुम्हें हायर करना चाहिए। इसके बाद फ्रांसिस अपने बेबी सीटर को लेने के लिए उसके घर जाता है। बेबी सीटर के जो फादर है ये भी फ्रांसिस के अच्छे फ्रेंड है। फ्रांसिस फिर बेबी सीटर को घर पर छोड़कर क्लब में क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए पहुंच जाता है। इसके पैरेलल के सीन में हम देखते हैं थॉमस ने फिर से कंसर्ट के लिए 2 टिकट्स बाय किए हैं। लास्ट टाइम उसने जो किया था यही वो फिर से करने वाला है। एक स्ट्रेंजर के साथ कंसर्ट देखने वाला है। क्रिस्टिना का डांस देखते वक्त फ्रांसिस उसके लिए वरी करता है। वो कहता है डांस करते वक्त अगर किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो फिर क्या होगा। क्रिस्टिना कहती है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, कोई भी वरी मत करो। अब ये क्या था इसकी मिस्ट्री हमें मूवी में आगे पता चलेगी। घर आने के बाद अपनी बेबी सीटर को फ्रांसिस घर छोड़ता है। उसकी बेबी सीटर कहती है कि जब भी तुम घर पर आते हो तो मेरे फादर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रांसिस कहता है कभी कभी फ्रेंडशिप उसी तरीके से होती है जैसे आप बड़े होते जाते हो तब आपके साथ एक बैगेज होता है, यानी कि इमोशनल कुछ बुरी चीज़ें आपके साथ हुई होती है जो आप साथ लेकर चलते हो। फ्रांसिस फिर उसे समझाता है कि इस बैगेज के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, कभी कभी इसे आप हाइड करते हो और कभी कभी नहीं। कुछ लोग तो फ्रेंडशिप भी नहीं रखते। तुम्हारे फादर इस टाइप के बैगेज को छुपाते नहीं और फिर भी मेरे साथ फ्रेंडशिप में है। वो कहता है कि शायद हम दोनों की फ्रेंडशिप अनकंफर्टेबल है, पर कभी कभी फ्रेंडशिप उस तरीके से हो सकती है। फ्रांसिस से बेबी सीटर ने बात की तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन जो हम देखते हैं एक पास्ट का है। एक सर्च पार्टी चल रही थी, यानी कि कुछ लोग मिलकर कुछ ढूंढ रहे थे। वहीं पर फर्स्ट टाइम एरिक और क्रिस्टिना मिले थे। क्रिस्टिना एरिक से पूछती है कि अपने लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो। एरिक क्रिस्टिना से कहता है कि अब तो मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ पर मैं डीजे वगैरह बनना चाहता हूँ, मेरी वॉइस के साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्रिस्टिना एरिक से कहती है मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही कुछ करते हो, तो तुम्हारी वॉइस बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी बातें सुनना इससे बहुत ही ईजी हो जाता है। एरिक क्रिस्टिना से पूछता है क्या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है। क्रिस्टिना कहती है कि मेरे ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं है। एरिक क्रिस्टिना से कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे कोई फ्रेंड्स होने चाहिए थे। क्रिस्टिना पूछती कि ऐसा क्यों, तो कहता है कि आज मैं तुमसे मिला हूँ तो इस सब के बारे में मेरे फ्रेंड्स को कहना चाहता हूँ। पहली बार मिलने के बाद ही वो क्रिस्टिना को अब बहुत ही लाइक करने लग चुका है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जब भी एरिक और क्रिस्टिना एक दूसरे के सामने आते हैं तो घिनौनी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों में रिलेशनशिप बहुत ही अब खराब हो चुकी है। इसी टाइप के एक इंकाउंटर के बाद क्रिस्टिना जोए के पास आती है। वो जोए को कहती है कि तुम में और एरिक में जो कॉन्टैक्ट है इससे मैं डिसगस्टेड हूँ। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि थॉमस एक स्ट्रेंजर के साथ कंसर्ट देखने के लिए आया हुआ है। अब जिसके साथ वो था उसे वो लाइक कर रहा था। लास्ट टाइम उसने जैसा किया था कंसर्ट हो जाने के बाद जिसके साथ वो कंसर्ट देख रहा था उसके पैसे उसे वापस कर दिए। यही ट्रिक वो फिर से इस आदमी के साथ भी करता है, इस आदमी को लाइक करता है। तो फिर ये दोनों थॉमस के घर पर आते हैं। घर आने पर थोड़ी सी बातें करते हैं, हैंग आउट करते हैं। थॉमस के घर पर ये आदमी कुछ अंडे देख सकता है।
ये थॉमस ने अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इस बारे में वो आदमी थॉमस से पूछता है, ये जो अंडे हैं ये बहुत ही रेयर एनिमल्स के हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आज रात फिर से फ्रांसिस क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए आया। वो फिर से वरी कर रहा था कि जब वो क्रिस्टिना के साथ नहीं होता है तो शायद उसे कोई हर्ट कर सकता है। इसके बाद वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और वॉशरूम चला आया। फ्रांसिस जनरली क्रिस्टिना को पूरी रात के लिए बुक कर लेता है। पूरी रात तक उसका डांस देखता रहता है। वो अच्छे से बात करते हैं तो एरिक जेलस हो जाता है। फ्रांसिस जब वॉशरूम आया हुआ था तो उसके पीछे पीछे एरिक आ गया। उससे वो बात करता है। एरिक कहता है, तुम और क्रिस्टिना अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो। वो किसी के साथ भी इतना क्लोज नहीं है, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे अब टच करना चाहिए? उसे वो पसंद आएगा। एरिक फ्रांसिस को ट्रिक कर रहा है। फ्रांसिस भी ज्यादा कुछ सोचता नहीं और जब क्रिस्टिना के पास आता है तो उसे टच करने की कोशिश करता है। एरिक फिर उसके पास जाकर उसे मारकर क्लब से बाहर निकाल देता है। यहाँ डांस करते वक्त डांसर को टच करना अलाउड नहीं है। फ्रांसिस बहुत ही हर्ट हो चुका था, शायद उसे फिर से क्लब में भी नहीं आने देंगे। रात में जब अपनी बेबी सीटर को घर पर छोड़ रहा था तो उसकी बेबी सीटर ने उसके सर पर एक चोट देखी। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फ्रांसिस को अब अपने खुद के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो कहता है, जब हमने किसी से मांगा ही नहीं कि हमें इस वर्ल्ड में रहना है तो हम क्यों रह रहे हैं? उसे सुसाइड के थॉट आ रहे हैं। एरिक ने फ्रांसिस को क्लब से बाहर निकाल दिया तो फ्रांसिस कोई केस वगैरह ना करे, तो इसी वजह से जोई उससे क्वेश्चंस पूछती है। कहती है कि तुम्हें उसे वार्निंग देनी चाहिए थी, डायरेक्टली उसे बाहर क्यों फेंक दिया? एरिक कहता है कि मेरा इम्पल्सिव डिसीजन था, मुझे लगा था शायद वो क्रिस्टिना को हर्ट करेगा। क्रिस्टिना भी इस कन्वर्सेशन में फ्रांसिस की साइड लेती है। कहती है, फ्रांसिस ने मुझे टच तो किया पर उसका वैसा मीनिंग नहीं था। जो है इस बात को सही से समझ नहीं पाती। प्रीवियस के सीन में हमने देखा था कि थॉमस एक आदमी के साथ इंटीमेट हुआ था। जब सुबह होती है तो वो आदमी वहां से जा चुका है और थॉमस के अंडे भी वहां से गायब है। फ्रांसिस उस आदमी को कॉल लगाता है तो आदमी कहता है, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ, इसलिए वो अंडे लेकर जा चुका है। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक का सीन देख सकते हैं। ये जो सीन है इसमें एरिक और क्रिस्टिना फर्स्ट टाइम मिले हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं। इन दोनों में बहुत सारी बातें हुई और एरिक को क्रिस्टिना बहुत ही अच्छी लगती है। क्रिस्टिना से कहता है, कभी कभी मुझे लाइफ में लगता है कि मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, इसी वजह से मुझसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अब मैं तुमसे मिला हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे लगता है शायद तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। लास्ट नाइट फ्रांसिस जो भी बातें कर रहा था इससे उसकी बेबी सीटर वरीड है। वो अपने डैड से कहती है, फ्रांसिस के लिए मैं अब बेबी सीट नहीं करना चाहती। यहाँ हमें पता चलता है फ्रांसिस की पहले फैमिली हुआ करती थी। फैमिली की डेथ के बाद भी फ्रांसिस बेबी सीटर को घर पर लेकर जाता है और घर का ख्याल रखने के लिए कहता है। लास्ट नाइट जो हुआ था, फ्रांसिस को डायरेक्टली क्लब से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्रिस्टिना से वो फिर से बात करना चाहता है, उसे कुछ क्वेश्चंस है पर वो क्लब में नहीं जा सकता। वो जब थॉमस को ऑडिट करने के लिए फिर से उसके पास आया तो उसने उससे बात की। फ्रांसिस ने कहा कि तुम क्लब में जाना, वहां जाकर क्रिस्टिना से मिलना। फ्रांसिस ने उसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। कहता है, मैं ये सब क्वेश्चन क्रिस्टिना से पूछने हैं। थॉमस ये नहीं करना चाहता। फ्रांसिस कहता है, मुझे तुम्हारे इलीगल बिजनेस के बारे में पता है। जो एनिमल के अंडे तुम सप्लाई करते हो, ये $200,000 का तुम्हारा बिजनेस है। तुम सही से उसकी अकाउंटिंग नहीं रखते, जो मैंने अब पकड़ लिया है। गवर्नमेंट को तुम पर पहले ही शक था, जो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। फ्रांसिस ने अब जो थॉमस को ब्लैकमेल किया है तो थॉमस के पास भी ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। वो रात में जाता है और क्रिस्टिना का डांस बाय करता है। थॉमस क्रिस्टिना से पूछता है, जिस आदमी के लिए कल तुम डांस कर रहे थे उसे बाहर क्यों फेंक दिया गया? क्रिस्टिना थॉमस से कहती है कि उसे मुझे टच नहीं करना चाहिए था। थॉमस पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उसके माइंड में चल क्या रहा था जब उसने तुम्हें टच किया? क्रिस्टिना कहती है, हम दोनों में रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। कुछ सालों पहले उसकी वाइफ और डॉटर का मर्डर हो गया था। पुलिस को लगा कि यह मर्डर फ्रांसिस ने ही किया है। उन्होंने फ्रांसिस को बहुत टॉर्चर किया था। बाद में रियल किलर पकड़ा गया और फ्रांसिस फ्री था, पर अब भी फ्रांसिस को इस चीज के बारे में बहुत बुरा लगता है। अपनी फैमिली को बहुत ही मिस करता है। फ्रांसिस और क्रिस्टिना एक दूसरे को जानते हैं और वो कहती है कि हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ अनस्पोकन रूल्स थे जो उसे नहीं तोड़ने चाहिए थे।
क्रिस्टिना और थॉमस में कन्वर्सेशन बहुत ही डीप हो चुकी थी। ये जब एरिक ने देखा तो फिर से वो जेलस हो गया था। थॉमस जब वॉशरूम गया तो उसके पीछे पीछे फिर से एरिक आया। उसने कहा कि तुम क्रिस्टिना से बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, कुछ ही घंटों में तुम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन चुके हो। कहता है क्रिस्टिना और मेरा, हम दोनों का रिलेशनशिप भी ऐसा ही था। मैं फर्स्ट टाइम उसे मिला और मुझे लगा कि मैं हमेशा से उसे जानता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एरिक का इस तरह से थॉमस से बात करना ये बहुत ही वियर्ड था। थॉमस जब क्रिस्टिना के पास आता है तो उसे सब कुछ ये चीज़ बताता है। क्रिस्टिना समझ जाती है कि एरिक ही होगा। वो ये भी फिगर आउट करती है कि शायद फ्रांसिस से कल एरिक ने बात की थी। क्रिस्टिना फिर जोए को ये सब बताती है, उसकी कंप्लेंट करती है। एरिक अपनी सफाई में कुछ कहता है पर क्रिस्टिना उस पर बहुत ज़्यादा नाराज है। एरिक को लगता है कि शायद वो फिर से क्रिस्टिना को पा सकता है, पर इन दोनों में रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर चली गई है। रात में फ्रांसिस ने क्लब में आने का ट्राई किया पर उसे किसी ने भी आने नहीं दिया। इस चीज़ से फ्रांसिस बहुत ही चिढ़ चुका है। नेक्स्ट डे जब वो थॉमस से मिलता है तो उसकी गन ले लेता है। कहता है कि अब मैं एरिक को जाकर मार आऊँगा। फ्रांसिस ने जब थॉमस को क्लब में भेजा था तो थॉमस के पास एक माइक्रोफोन था। थॉमस क्रिस्टिना से जो भी सब बातें कर रहा था ये सब फ्रांसिस गाड़ी में सुन रहा था। फ्रांसिस को पता चल चुका है कि एरिक ने उसे सेटअप किया था। उसने उसे मैनिपुलेट किया कि वो क्रिस्टिना को टच करे। फ्रांसिस इस बात से बहुत ही गुस्सा है। वो नेक्स्ट दिन जब थॉमस से मिलने के लिए आता है, थॉमस की गन वो ले लेता है। थॉमस उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। फ्रांसिस कहता है मेरी लाइफ में मुझसे सब चीज़ें छीन ली गई है। वो क्लब में आकर क्रिस्टिना से जब बात करता था तो उसे अच्छा लगता था, अब ये भी चीज़ एरिक की वजह से उसे छीन गई है। अब वो एरिक को मार डालना चाहता है। फ्रांसिस ने फिर थॉमस के साथ प्लान बनाया। उसने कहा कि तुम जाकर क्रिस्टिना को टच करना, एरिक जब तुम्हें क्लब से बाहर निकालेगा तब मैं उसे मार डालूंगा। ये उनका प्लान एग्जीक्यूट हो ही रहा था तभी एरिक खुद से क्लब से बाहर निकल गया। फ्रांसिस के हाथ में उसने गन देखी। एरिक कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वो उसे एक बात बताता है, कहता है तुम्हारी बेटी की डेड बॉडी मुझे ही मिली थी। एरिक अपने ब्रेकअप की वजह से दुखी है और फ्रांसिस अपनी बेटी की वजह से। फ्रांसिस फिर अपना माइंड चेंज कर लेता है और रोने लग जाता है। ये एक दूसरे को सहारा देते हैं। अब हम फ्लैशबैक में भी देख सकते हैं कि जब एरिक और क्रिस्टिना कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्हें फ्रांसिस की बेटी की ही बॉडी मिली थी। इसके बाद हमें और भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फ्रांसिस और क्रिस्टिना में क्या रिलेशनशिप थी हमें पता चलेगा। जब फ्रांसिस की वाइफ और डॉटर जिंदा थी तो डॉटर को बेबीसिट करने के लिए क्रिस्टिना हमेशा आया करती थी। बेबीसिट हो जाने के बाद फ्रांसिस हमेशा क्रिस्टिना को घर छोड़ता था। यहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते थे। फ्रांसिस हमेशा अपनी डॉटर की तारीफ करता था। एक दिन क्रिस्टिना ने फ्रांसिस से कहा जिस तरह से अपने डॉटर पर तुम प्राउड हो उस तरह से कभी भी मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। अपने पेरेंट्स को लेकर वो बहुत ही दुखी थी। क्रिस्टिना के घर में सही से इन्वायरमेंट नहीं था। फ्रांसिस ने क्रिस्टिना को घर छोड़ दिया। क्रिस्टिना कहती है जब आप मुझे छोड़ने के लिए आते हो जो हम कार में बातें करते हैं ये उसे बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों के लिए एक टाइप की ये थेरेपी है। एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। अब इस फ्लैशबैक से हमें कुछ बातें पता चली है। क्रिस्टिना के घर में सही से इन्वायरमेंट नहीं था इसलिए वो स्ट्रिप क्लब में काम करने लग चुकी थी। वो फ्रांसिस की एक अच्छी फ्रेंड भी थी। अपने वाइफ और डॉटर के मर जाने के बाद फ्रांसिस को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए वो हमेशा क्रिस्टिना को देखने के लिए आता था। इन दोनों की रिलेशनशिप में कोई भी अट्रैक्शन का पार्ट नहीं था। फ्रांसिस हमेशा क्रिस्टिना के लिए वरी करता था कि जहाँ वो काम कर रही है यहाँ पर वो हर्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा आया करता था। हर रात उस पर नज़र रखकर उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा था। मूवी में हमने देखा है कि जब फ्रांसिस अपनी बेबीसिटर से बात करता है तो उसे अच्छा लगता है। अपनी बेबीसिटर में वो क्रिस्टिन को देखता था। वो अपनी लाइफ से अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा इसलिए अपने वाइफ और डॉटर के मर जाने के बाद भी वो घर पर एक बेबीसिटर रखता है। ये मूवी मेनली हार्ट ब्रेक और पेन से डील करती है। इस मूवी के कैरेक्टर्स एक दूसरे में कुछ ना कुछ सिंपथी ढूंढते हैं। फ्रांसिस के साथ जो भी हुआ इसके बाद वो मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से एक थोड़े से क्लिफ हैंगर पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।